The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Namaskar, adab, sat sri akal, dosto kaise hain aap? Main hu Dr. Paramjeet, aap dekh rahe hain Dr. Education. Dosto, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए एलोपैथी, आयुर्वेदा और होम्योपैथी सब जगह की दवाइयों के बारे में सुना होगा। एलोपैथी की तो कई दवाइयां हैं लेकिन आयुर्वेदा में भी कई सारी ऐसी जड़ी बूटियां, दवाइयां, यहां तक कि आपके घर में पड़ी ऐसी कई चीज़ें हैं जो कि ब्लड प्रेशर के खिलाफ एक्टिव है। आज हम उन्हीं में से कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो कैसे काम करती हैं और कौन कौन सी चीज़ें काम करती हैं। कई चीज़ें आपके घर में रखी हैं, कई चीज़ें बाहर से मिलती हैं। सो उसमें पहली चीज़ है अनियन। जी हाँ, प्याज। प्याज एक एंटीबैक्टीरियल भी है और इसमें हीलिंग प्रॉपर्टी भी है। हेल्दी डाइट के साथ साथ ये ब्लड प्रेशर लो करता है। प्याज के अंदर एक फ्लेवोनॉल होता है, क्वासरीन, कोर्सेटीन करके, जो कि ब्लड प्रेशर कम करता है और इसके ऊपर कई स्टडीज़ भी हुई है। और ये स्टडीज़ से पता चलता है बेसिस पे कि प्याज का पॉजिटिव इफेक्ट है आपके बॉडी के अंदर काफ़ी सारे एंगल्स से, राइट, यहाँ तक कि खून की नसें भी खोलने में थोड़ा बहुत काम करता है। बिल्कुल ऐसे ही है गार्लिक। गार्लिक अपने आप में ब्लड प्रेशर कम करती है। गार्लिक को तो काफ़ी सारे रिसर्च में प्रूवन है, ब्लड भी फ्लो बढ़ाती है, ब्लड थिन करती है। जो आप गार्लिक की क्लोव है सुबह सुबह खा सकते हैं, ब्लड थिनर है। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। गार्लिक से भी ब्लड प्रेशर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंट्रोल होता है, राइट, लहसुन, राइट। सो दैट इज़ वन थिंग, गार्लिक लंबे समय में बहुत अच्छा काम करता है। सो अनियन और गार्लिक। थर्ड चीज़ है आपकी आंवला। आंवला, जी हाँ, आंवला जो कि इंडियन गूसबेरी जिसको कहते हैं, आंवले में भी विटामिन सी होता है भरपूर मात्रा में। आंवला जूस एम्प्टी स्टमक लेने पे या ग्लास पानी के साथ लेने से आपको कई सारे काइंड्स ऑफ पेट की बीमारियां और दूसरे तरीके की चीज़ों से भी फ़र्क पड़ता है। इसमें डाइजेशन बेहतर होता है, हार्ट और ब्लड प्रेशर दोनों में इफेक्टिव पाया गया है। इवन दिस काइंड ऑफ थिंग, इनडाइजेशन नहीं होता, दीज ऑफ थिंग्स। सो विटामिन सी बहुत अच्छा है इस केस में। खून की नसों में और कई सारी चीज़ों के एब्जॉर्प्शन में, कोलेस्ट्रॉल कम करने में विटामिन सी का हाथ है। फिर ग्रीन टी। ग्रीन टी एक एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट, रिफ्रेश भी करता है आपको, एनर्जी भी देता है। कंजम्पशन ऑफ ग्रीन टी इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव फॉर डिक्रीजिंग योर स्ट्रेस लेवल्स। लेकिन ध्यान से, ज़्यादा मात्रा में ग्रीन टी ले ली तो कोई भी टी स्टिमुलेंट होती है, स्टिमुलेंट से आपका नींद उड़ सकती है, शेविंग हो सकती है और हार्ट रेट बढ़ सकती है, वो साइड इफेक्ट हो सकता है, तो मिनिमम मात्रा में। फिर वाटरमेलन, जी हाँ, वाटरमेलन जो आपका कलिंगन है, वाटरमेलन, उसके अंदर होता है सिट्रुलिन अच्छी मात्रा में। वाटरमेलन पानी भी देता है, डिहाइड्रेशन से भी बचाता है। इट्स 99% वाटर और साथ ही उसमें सिट्रुलिन होता है जो खून की नसें वाइडन करके ब्लड प्रेशर को कम करता है। सो वाटरमेलन डेली कंजम्पशन भी बहुत अच्छे से ब्लड प्रेशर कम कर सकता है। वाटरमेलन रेगुलर बेसिस पे भी लेना अच्छी बात है बॉडी के लिए, इट्स अ वेरी गुड थिंग, राइट। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में भी काम करेगा, खून की नसें खोलेगा। विटामिन सी लेमन में भी होता है, तो लेमन भी बिल्कुल हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारियों में काम करेगा। तो लेमन यानी नींबू पानी इज़ वेरी गुड फॉर ब्लड, हार्ट, डाइजेशन, एवरीथिंग। लेमन आपके डाइट में होना चाहिए। कोई भी विटामिन सी रिच फ्रूट इज़ गुड, ऑल द सिट्रस फ्रूट्स आर गुड इन दैट एस्पेक्ट, ठीक। तो ये हुई तीन चार चीज़ों की बातें। इसके बाद जो आपके घर में ही रखी हुई चीज़ है, ऐसी चीज़ है हनी। जी हाँ, शहद। शहद एक हर्बल रेमेडी माना जाता है, कई सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं उसमें, कई सारे रेगुलर कंजम्पशन पे देखा गया है उससे बेनिफिट्स। और शहद में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी हैं और ये सूदिंग और रिलैक्सिंग होता है आपकी बॉडी को। सो एक तरीके से माइल्ड लेवल पे ये ब्लड प्रेशर कम करता है स्ट्रेस रिलीव करके। बट मेन है आपके ग्रीन वेजिटेबल्स। ग्रीन वेजिटेबल्स लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में आपका वजन कम करती हैं, आपका स्ट्रेस कम करती हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल कम करती हैं। अगर आप उसके साथ फ्रूट्स लेते रहोगे, पपाया, वाटरमेलन, ग्रेप्स, व्हाटएवर यू वांट, अच्छी मात्रा में सेब, तो वो सारी चीज़ें, स्पिनेच, कैरेट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सैलड, तो आपका ब्लड प्रेशर
डैश डाइट बेसिकली हो गई, ब्लड प्रेशर कम रहेगा, हार्ट प्रॉब्लम्स कम रहेगी, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। साथ में कॉफ़ी टी कम रखिए, नींद अच्छी लीजिए, एक्सरसाइज फेचर कीजिए, ये तो हो गया सारा लाइफस्टाइल। सो लाइफस्टाइल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइफस्टाइल भी सही रखना, नमक कम रखना बहुत ज़रूरी है, नमक की मात्रा द बेसिक प्राइम इंपॉर्टेंस है उसका आपके ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट में। कई सारे वीडियो हैं उसके ऊपर हमारे, नमक कम हो गया, ज़्यादा हो गया, नमक में गड़बड़ी हो गई, क्या है क्या नहीं, उसके ऊपर वीडियो हम देख सकते हैं हमारे चैनल के ऊपर। फिर बात आती है कई सारे हर्ब्स पे। पहला हर्ब है सर्पगंधा, इंडियन स्नेक रूट, ये एक तरीके की दवा है, इसकी काफ़ी सारी आयुर्वेदिक मेडिसिंस बनती हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये ब्लड प्रेशर कम करता है, मेंटल इलनेसेस में काम आता है। इसमें स्नेक रूट में जो दवा है ये एक एलोपैथिक दवा के बराबर काम करती है, रिसर्पीन के बराबर, और रिसर्पीन जो है माइल्ड टू मॉडरेट हाई ब्लड प्रेशर में काम किया जाता है। रिसर्पीन दिए जाती है सिसोफ्रेनिया में या पुअर सर्कुलेशन प्रॉब्लम, तो सर्कुलेशन बढ़ाएगा, ब्लड प्रेशर कम करेगा। सर्पगंधा, इंडियन स्नेक रूट एक अच्छी दवा है जो कि ब्लड प्रेशर को, हार्ट रेट को कंट्रोल करेगी। तो लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट हो सकता है, इससे ड्राउजीनेस हो सकती है, नींद आ सकती है, राइट, सो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। फिर एक हर्ब है पुनर्नावा, राइट, पुनर्नावा या बोहेविया डिफ्यूसा, आई होप आई एम टेकिंग दिस राइट नेम, ये भी एक प्लांट है। इस प्लांट के अंदर कुछ रेटिनॉइड्स होते हैं जो कि इसमें क्विनोलोन एल्कलॉइड्स होते हैं, बेसिकली केमिकल है जो के उसके अंदर प्रॉपर्टी होती है कई सारे एंटी कैंसर, एंटी ईस्ट्रोजन, इम्यूनोमॉड्यूलेटिंग, एंटी अम्यूबिक, तो एंटी बैक्टीरियल भी है पर्टिकुलरली लाइक दैट, एंटी अम्यूबा हिस्टोलिटिका के अगेंस्ट, ये एक तरीके का बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी काम करता है। और इसमें एक BDP30 करके प्रोटीन भी होता है जो कि एक राइबोसोम इनएक्टिवेटिंग प्रोटीन, ओवरऑल ये एक एंटी इन्फ्लामेटरी है, एंटी इन्फ्लामेटरी और एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टी वाली चीज़ है, सो ये भी थोड़ा इफेक्टिव है आपके स्ट्रेस कम करने में। फिर लेकिन इसके अंदर कोई ऐसी रिसर्च नहीं है कि ये ब्लड प्रेशर बहुत कम करेगा, इसका कोई रिसर्च नहीं है। फिर लोग कहते हैं ट्रिबुलस, गोक्षुरा, गोक्षुरा भैया प्लांट है, उसका फ्रूट होता है कांटे वाला, बढ़िया बढ़िया स्पाइन वाला, उस फ्रूट को बोला जाता है कि ये आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ा देगा, ये आपका सेक्सुअल फंक्शन बढ़ा देगा, और ये कर देगा और वो कर देगा, लेकिन क्वाइट फ्रैंकली इसका फ्रूट लो या लीव लो या रूट लो जो दवाइयों के लिए यूज़ होती है, इसका किसी भी रिसर्च में कोई भी प्रूफ नहीं देखा गया कि ये एक्टिव है या नहीं। हाँ, ये कई लोग प्रोस्टेट के लिए लेते हैं, सेक्सुअल डिसऑर्डर के लिए लेते हैं, इनफर्टिलिटी के लिए लेते हैं, फलाना फलाना फलाना, बट इसमें कोई एविडेंस नहीं है कि इनमें से किसी में काम करता है। वन थिंग विच इट डज इंक्रीज इज योर लिबिडो, जी हाँ, ट्रिबुलस से लिबिडो ज़रूर बढ़ती है और कछू ना ही, सो ट्रिबुलस इज लाइक दैट, जोक्षुरा इज दैट, राइट। टेस्टोस्टेरोन तो कभी नहीं बढ़ता उससे, याद रखिएगा, राइट, मेल्स टेस्टोस्टेरोन, मेल सेक्सुअल हार्मोन, जिसके लिए बॉडी बिल्डर काफ़ी ज़्यादा उसको रेकमेंड करते हैं, लेते हैं, नाना नहीं बढ़ने वाला, राइट, और कई लोग कहते हैं इससे कुछ नहीं होता, बिल्कुल इससे कुछ ना होता, साइड इफेक्ट के लिए बोलते हैं। एनीवेज, फिर है एक है फलैंथ्रस निरूरी, फलैंथ्रस निरूरी करके एक हर्ब है जो कि ये एक अगेन ये प्लांट है, ये एक ट्रॉपिकल प्लांट है, काफ़ी कॉमनली कोस्टल एरियाज में मिलता है, और इसको भी काफ़ी सारे नामों से जाना जाता है, स्टोन ब्रेकर, वीड अंडर द लीफ, वट एवर यू कॉल इट। इसके अंदर जो है इसके अंदर जब जांच करी गई तो ये जो दवा है इसके अंदर पोटेंशियल मेडिसिनल बेनिफिट्स पाए गए, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी ऑक्सीडेंट इसमें सब, लेकिन जो सेम चीज मेन चीज देखी गई कि ये किडनी स्टोन फॉर्मेशन इनहिबिट करता है, राइट। फिर अश्वगंधा, अश्वगंधा एक बहुत जोरदार प्लांट है, इसकी रूट, उसकी बेरीज, ये सबसे दवा बनती है, अश्वगंधा के बहुत सारे यूज़ है, बहुत सारी जगह पे इसको यूज़ किया जाता है, कॉर्नर स्टोन माना जाता है, राइट। उसके अंदर काफ़ी सारे रिसर्च चल रहे हैं, लेकिन काफ़ी सारी जगहों पे प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स हैं, काफ़ी में नहीं प्रॉमिसिंग है, लेकिन एक चीज़ जो ये ज़रूर बताई जाती है कि ये क्या है, ये काफ़ी सारे लोगों में आर्थराइटिस में यूज़ होता है, एनजाइटी, बाइपोलर डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव, कितनी सारी जगह यूज़ होता है ये, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ट्रबल स्लीपिंग प्रॉब्लम, इनसोम्निया, कैंसर, ट्यूमर, ट्यूबरकुलोसिस, अस्थमा, स्किन कंडीशन, कहाँ नहीं यूज़ होता, इतनी सारी जगह पे कैसे काम करता है ये, कभी सोचा किसी ने? अस्थमा हो, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हो, फाइब्रोमाइल्जिया हो, पार्किंसन डिजीज़ हो, थायराइड प्रॉब्लम हो, कहीं पे भी ये सारी, क्रोनिक लिवर डिजीज़ हो, इतनी सारी जगहों पे कैसे, राइट, कई दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स कम कर सकता है अश्वगंधा, तो कैसे, राइट, क्योंकि अश्वगंधा बेसिकली रिड्यूसेज योर स्ट्रेस।
आपके इवन फैट और शुगर लेवल भी कम करता है. इट इज एन एडेप्टोजन, एडेप्ट करने में मदद करता है आपको आपके सर्कमस्टेंसेस, डेली स्ट्रेस, डेली बॉडी को स्ट्रेस से रिलीव करता है. तो बहुत बड़ी बात है, जब आप स्ट्रेस से रिलीव हो जाएंगे तो आपकी थिंकिंग एबिलिटी, आपकी पेन, आपका स्वेलिंग, आपका इन्फ्लामेशन, आपके अंदर एजिंग भी स्लो होगी. तो अश्वगंधा इज वेरी गुड इन दैट सेंस. बट ऑब्वियसली इसके काफ़ी सारी ये जो क्लेम्स हैं प्रूवन नहीं है, काफ़ी सारे इसमें पोटेंशियल बेनिफिट देखे गए हैं. सो यस, इसको ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है एज फार एज दैट इज कंसर्न, राइट. सो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के लिए भी अश्वगंधा ली जाती है और गोक्षुरा लिया जाता है. गोक्षुरा में आपका लिबिडो जरूर बढ़ेगा और कुछ नहीं. अश्वगंधा को ऊपर से चमड़ी पे भी लगाया जाता है भैया, ऊपर से चमड़ी पे बैक एक के लिए और पता नहीं क्या क्या, पैरालिसिस के लिए, हेमिप्लेजिया के लिए, क्या क्या नहीं करेंगे, राइट. अश्वगंधा बहुत वाइड स्प्रेड यूज़ है और एक्चुअली इफेक्टिव भी है कुछ मामलों में. सो यू कैन ट्राई इट, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. अर्जुना और जाट मासी के बारे में बातचीत करेंगे. ये जो जाट मासी होता है ये बेसिकली एक और हर्ब है, आयुर्वेदिक हर्ब है, जिसको इस्तेमाल किया जाता है काफ़ी सारे बीमारियों के लिए. सो अगर हम बात करेंगे एन जाट मासी जिसको कहते हैं, ये हिमालयाज़ में ज़्यादा मिलती है और हिमालयाज़ में इसकी वैल्यू आयुर्वेदिक मेडिसिन, यूनानी मेडिसिन, एंशिएंट मेडिसिन में काफ़ी ज़्यादा है. और ये इसके जो प्लांट्स हैं आयुर्वेदा में यूज़ किए जाते हैं टॉनिक के हिसाब से, बिटर टॉनिक, स्टिमुलेंट, एंटी स्पाजमोडिक, एंटी हिस्टेरिया, कन्वर्जन, एपिलेप्सी, राइट, दिमाग के प्रॉब्लम, नींद के प्रॉब्लम, सर्कुलेशन प्रॉब्लम, मेंटल डिसऑर्डर, इन सब में इस्तेमाल किए जाते हैं जाट मासी. सो एक हेप्टोटॉनिक, कार्डियोटॉनिक, एनाल्जेसिक, डायूरेटिक, तो इसी तरह से सोचा जाता है कि इससे ब्लड प्रेशर कम होगा, लेकिन क्वाइट फ्रैंकली इससे कुछ ज़्यादा मात्रा में ब्लड प्रेशर कम करते हुए नहीं देखा गया. ये परफ्यूम डाइज में भी यूज़ होता है, एक काइंड ऑफ एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी है, लिपिड कोलेस्ट्रॉल ज़रूर कम कर सकता है. फिर अर्जुना, अर्जुना में जो टर्मिनलिस अर्जुना, ये एक उसके अंदर जो मेन टर्मिनलिस अर्जुना जिसको कहते हैं, इसमें अलग अलग टाइप्स भी हैं. लो इसकी खा जो अर्जुन की छाल यूज़ होती है, ये मोस्ट कॉमनली यूज दवाई है हार्ट की बीमारियों के लिए. कहते हैं हार्ट के नसें खुल जाएंगी, फेलियर चेस्ट पेन ठीक हो जाएगा, डायबिटीज ठीक, कोलेस्ट्रॉल ठीक हो जाएगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा. पर इतने सारी चीज़ें नहीं प्रूवन है, इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है. लेकिन एक चीज़ ज़रूर प्रूवन है, जो छाती में दर्द वाले पेशेंट जब इसे लेते हैं, राइट, तो ज़रूर उनको पेन में रिलीफ पाया जाता है. कोलेस्ट्रॉल ज़रूर ये थोड़ा सा कम करता है, ब्लड प्रेशर ज़रूर ये थोड़ा सा कम करता है, लेकिन कोई भी खून की नस में ब्लॉकेज को ख़त्म नहीं करेगा अर्जुना, अर्जुन की छाल याद रखिएगा. ये सिर्फ एक प्रिवेंटिव दवाई के जैसे हो सकता है, साथ में चलने वाली दवाई के जैसे हो सकता है. सो इट डज नॉट एक्चुअली फुल्ली क्योर यू, राइट, रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स. सो ये बातचीत हुई दोस्तों इन हर्ब्स की जो नेचुरली यूज़ होते हैं ब्लड प्रेशर के लिए. अगर आप मुझसे कहेंगे सर जी देखो ये सारे बथेरी सारे प्रिस्क्रिप्ट दवाइयों में पाए जाते हैं, कॉम्बिनेशंस में आप मार्केट में जाके देख सकते हो, अगर एक आप मुझसे कहेंगे सर आप कोई रेकमेंड करिए, तो एन वेदा की बी कैप्सूल्स मैं रेकमेंड कर सकता हूँ आपको. एन वेदा की जो बी कैप्सूल्स हैं, इसके अंदर ये सारे जो हर्ब्स हैं, बाकी सारे घरेलू चीज़ें तो आपके घर में ही हैं, ये सारे सर्पगंधा हो गया और आपका फलैंथस एमरस हो गया, जो अश्वगंधा, टर्बुलिस, ट्रिबुलस, गोक्षुरा, अर्जुना, जाट मासी, ये सारी चीज़ें इसमें ऑलरेडी मौजूद है, जिसका इन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया है बी कैप्सूल्स, ब्लड प्रेशर कैप्सूल्स. और जी हाँ, इससे आपको ब्लड प्रेशर में, स्ट्रेस में, इन्फ्लामेशन में रिलीफ मिलेगा. सो दिस मेडिसिन कैन बी ट्राइड एज पर डोज, एक दिन में एक सुबह शाम ले सकते हैं, एक बार ले सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आपका ब्लड प्रेशर कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है. जो भी दवा लो, आयुर्वेदिक लो, होम्योपैथिक लो, एलोपैथिक लो, डजेंट मैटर. व्हाट मैटर्स इज जिसके ले रहे हो वो ठीक हो रहा है नहीं हो रहा. सो ब्लड प्रेशर के लिए ले रहे हो, ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो रहा है नहीं हो रहा, ये देखना जरूरी है. उसको मॉनिटर करो, उसको रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर नहीं करोगे देन यू आर डूइंग अ बिग मिस्टेक, नो मैटर कौन सी दवा ले रहे हो, ठीक है. सो ब्लड प्रेशर मॉनिटर करने वाला वीडियो अगर नहीं देखा आपने हमें, हो सकता है आप गलत ले रहे हो, गलत तरीके से मॉनिटर करो, इसलिए वो जरूर देख लेना वीडियो, हाउ टू मॉनिटर योर ब्लड प्रेशर, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो. मॉनिटर करेक्टली, करेक्ट वे टू मॉनिटर योर टेस्ट योर ब्लड प्रेशर बाय डॉक्टर एजुकेशन, जरूर देखना है वीडियो और अपने फीडबैक देने हैं नीचे. नीचे मैं इस बी कैप्सूल का लिंक दे दूंगा, जिसको लेना है, ट्राई करना है, दे कैन डू, बट चेक योर ब्लड प्रेशर ऑन अ डेली बेसिस, राइट, जब आप रेस्टिंग स्टेज में. ऑलराइट, थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी.